आपकी एक वीडियो भी काफी वायरल हुई हुई है इंटरनेट के ऊपर, उसमें आप कह रहे हैं कि रिजवान कहते थे कि लोग कहते थे कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता, तो देखो अब मैंने छक्के मारना शुरू कर दिए। आपने एक इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के 7 छक्के मारे, इस साल आपके 28 छक्के हैं, तो ये जो एक आपके अंदर एक टर्न अराउंड आया है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, वो जो वीडियो थी मुझे भी पहुंची है, क्योंकि बेसिकली मैं इन चीजों को देखता नहीं, मगर किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप पे पहुंच गई है। तो वो एक टाइम था जिस तरह मैं जिसका वेट कर रहा था, जो एक बेसिकली होता है इंसान का होता रहता है। क्योंकि मगर मैं तो इस बेस पे वो बात मैंने की थी, क्योंकि मुझसे उसे पहले कहा गया था, क्योंकि मैं बाहर बैठा था, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं होती। अगर मैं बाहर बैठता हूँ, 12 मैन होता हूँ, 13 मैन होता, मुझे इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है उसको कोशिश करता हूँ कि हलाल करूँ। तो मैं उसके सिर्फ इंतजार में था कि जब उन लोगों ने मुझे कमिटमेंट ये हुई थी कि यार कल आप वन डाउन खेलेंगे, तो फिर क्योंकि उसने कहा था कि आप बाहर इसलिए बैठो कि हमारे टॉप ऑर्डर के टीम में टॉप ऑर्डर में जगह आपकी है, आप पीछे नहीं खेल सकते। जब मौका दिया तो टॉप ऑर्डर नहीं था, फिर वो नीचे था, तो फिर इस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, तो शायद वो फिर लड़कों ने, उसने सवाल भी ऐसे थे कि यार आपने छक्के नहीं मार सकते। मैंने कहा मुझे कभी आज तक ये चीज फील नहीं हुई। मैं अभी भी कहता हूँ पर्सनली, क्योंकि इससे पहले T20s हुए हैं हमारे KPK की तरफ से, पिशावर की तरफ से, मुझे कभी आज तक ये फील नहीं हुआ। लोग कहते हैं आप वो अलग बात है, लोगों को फील हुआ होगा, शायद मुझे फील नहीं हुआ, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद लोग ठीक कह रहे हो कि यार मैं जगह नहीं मार सकता था, शायद अल्लाह पाक ने उनको दिखा दिया हो। मैं शायद अभी भी उस बेस पे हूँ, ना तो कोई चेंज लाया हूँ, ना कोई उसके लिए ज्यादा सोचा है, ना कोई उसका बोझ लिया है।